कश्मीर में सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता यूसुफ तारांगमी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में केंद्र पर कटाक्ष करते हुए उसे जम्मू और कश्मीर को केंद्र जेल के रूप में अधिसूचित करने को कहा, ताकि अब उसके अपने नागरिकों पर पीएसए जैसे कठोर कानून ना लागू करना पड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी जीत का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लोगों ने अंधेरे के शासन में कुछ रोशनी दिखाई है। जो भी कश्मीर में किया गया, किया जा रहा है, जो भी हो रहा है, उसके नतीज कश्मीर के लिए बहुत नुकसानदेह तो है ही, लेकिन हमारा अंदेशा है कि मुल्क की सालमियत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह रहने का एहतमाल है। बदकिस्मती ये है कि कश्मीर इशू को, कश्मीर क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया है इस रिजीम ने रियल स्टेट्स इशू बनाकर उस लेवल पर, और हमारी नज़र में आज की सूरत हाल को देखते हुए कश्मीर एक बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी में बदल गया है। इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी, और वो इसीलिए कि अभी आपको बताया गया क्या सीनियर लीडर्स, वेदर दे हैव बीन चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, पब्लिक फंक्शनरीज, दे आर पुट इन जेल, और वो भी एक ड्रैकोनियन लॉलेस लॉ के दायरे के अंदर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। मैं तो आज दिल्ली के आवाम को कश्मीर की तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, इस अंधेरे में कुछ उन्होंने उजाला, कुछ रोशनी दिखाई यहाँ की जनता ने।